को लेकर क्या इंतजाम आपकी तरफ से किए गए, क्या दिशा निर्देश दिए? शासन और डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्यौहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीजों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्म गुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज कम की गई है। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 हैं और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000 है। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद हैं वहां विशेष प्रबंध किए गए हैं और हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है लगभग 47-48 कंपनी पीएससी लगाई है, 7 कंपनी सीएपीएफ भी लगी है, इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और भी मिलने की संभावना है तथा हमारी पूरी सिविल पुलिस की फोर्स जो जनपदीय इकाइयों में है वो उस दिन रहेगी। इस संबंध में सभी पीस कमेटी की मीटिंग भी करा ली गई है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जैसे पूर्व में सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत ढंग से किए गए हैं आने वाला त्यौहार भी उसी तरीके से आपसी भाईचारा के साथ संपन्न हो।